हरियाणा के लाल ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा अब टीवी शो में भी खूब दिल जीत रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति में पहले उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को हरियाणवी डायलॉग बोलना सिखाया, तो अब डांस प्लस शो में उन्होंने प्रपोज करना सिखाया। 23 साल के आर्मी मैन नीरज चोपड़ा के सामने एक तख्ती लिए राघव ने सवाल के सामने एक चीट लगाई हुई थी। जब उन्होंने चीट हटाई तो सवाल था कि नीरज चोपड़ा अपना भाला कहाँ रखते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने निजी भाले अपने पास रखते हैं, जबकि पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान में प्रशिक्षण लेने वालों के भाले बंद कमरे में रखे जाते हैं। इसी तरह का एक सवाल था कि नीरज अपने भाले को क्या कहते हैं। फैंस भी जानना चाहते थे कि नीरज इसके जवाब में क्या बोलते हैं। नीरज ने हंसते हुए कहा कि वे इसके लिए केवल हिंदी शब्द भाला ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके कोच ने इसे स्वीटी निकनेम दिया है। इसके बाद राघव ने पूछा, नीरज चोपड़ा के साथ कुंडली का मिलान कैसे करें। इस सवाल पर नीरज चोपड़ा शर्मा गए और कहा कि उन्हें कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्हें यह सब बहुत अजीब लगता है। इसके बाद कोरियोग्राफर पुनीत द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने अपनी आइडियल वुमेन के बारे में भी बताया। जब राघव ने मजाक में पूछा कि क्या उसे भाला जैसा होना चाहिए, इस पर नीरज बोले, नहीं नहीं, इतनी लंबी का क्या करे, वो तो बहुत लंबी हो जाएगी। हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत को ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। नीरज एक एथलीट होने के साथ साथ भारतीय सेना में सूबेदार पद पर भी तैनात हैं और सेना में रहते हुए अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है।